ये है 22 और 23 तारीख का समय, 24 और 25 तारीख की स्थिति क्या रहेगी ये उसके बाद में ये हो जाएंगे। नौवें भाग्य वृद्धि चय, उस दिन भाग्य वृद्धि का बहुत अच्छा समय है। भाग्य वृद्धि हो, धार्मिक कार्य मन लगे और भाग्य वृद्धि का समय अच्छा आ रहा है। और दसवें कर्म ईप्सितम और 26 और 27 तारीख को कर्म की सिद्धि, जो आप काम करेंगे उसमें यश मिलेगा और पिता का सहयोग मिलेगा, भरपूर अच्छा दिन बीतेगा। और 27 और 28 तारीख को एकादशे सर्वलाभम, सब प्रकार से लाभ होगा, यानी जो आप नहीं सोचे वहाँ से भी आपको लाभ मिलेगा, मान सम्मान बढ़ेगा और अच्छी स्थिति रहेगी। केवल 22 और 23 तारीख के सप्ताह में खराब है आपके लिए, बाकी पूरे दिन अच्छे हैं। अब गोचर ग्रहों का, अन्य ग्रहों का क्या प्रभाव रहेगा वो दर्शा रहा हूँ। गुरुदेव की स्थिति जो है रहेगी कर्क राशि से, कर्क राशि जब गुरुदेव जो है सो आपके सीधे साथ में आ रहे हैं, सप्तमें राज सम्मानम, यानी आपका सम्मान होगा, चारों तरफ योग्यता बढ़ेगी, योग्यता की प्रशंसा होगी, पत्नी का सुख व सहयोग भरपूर मिलेगा। कर्क राशि वालों के लिए गुरुदेव बहुत अच्छा कार्य कराने वाले हैं सप्तम, और बड़े भाई बहन और छोटे भाई बहन इनका भरपूर सहयोग मिलेगा, इनके सहयोग से कुछ बड़े कार्य भी आप कर सकते हैं। और उसके पश्चात शनिदेव भी आपके साथ में है, सप्तम है, तो जहाँ बैठते हो पूर्ति करते हैं, पत्नी का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, स्वभाव भी अच्छा, लेकिन आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, क्यों आपका स्वास्थ्य बिगाड़ सकते हैं, इसका विशेष ध्यान रखना है। और भाग्य का विकास रुक जाएगा, यानी भाग्य में हानि हो सकती है। इस प्रकार से सप्तम और साथ साथ में आपके छोटे भाई बहनों को भी कष्टप्रद हो सकता है, इस पर गुरु और शनि दोनों भी इस समय बिगाड़ रहे हैं। मंगल देव की स्थिति क्या रहेगी, मंगल देव जो है तो आपकी राशि से दसवें हैं मंगल देव आपकी राशि से दसवें हैं, सात आठ नौ में है, नौ में भाग्य वृद्धि है, मंगल देव भाग्य वृद्धि में जाएंगे, तो मंगल के द्वारा यानी जमीन ज्यादा से आपका भाग का विकास होगा और माइनिंग के कार्यों से भाग का विकास होगा, भाइयों का भरपूर सहयोग मिलेगा, उसमें भी आपका विकास होगा। इन मंगल देव अच्छा कार्य कराने वाले हैं और सबसे अच्छा कार्य कराने वाले राहु हैं। एकादशे सर्वलाभम, सब प्रकार से लाभप्रद होने वाले हैं। नौ पंचम योग जो मकर का और वृषभ का बन रहा है, और गुरु की दृष्टि आपकी कर्क राशि पर है, तो गुरु जहाँ देख रहा वहाँ बहुत अच्छा करने वाले हैं, इसलिए आपका ये सप्ताह बहुत भरपूर सहयोग के लिए, कर्क राशि वालों के लिए सप्ताह सबसे अच्छा श्रेष्ठ रहेगा। किसी प्रकार छोटा मोटे तो स्पीड देकर आ सकते हैं, बाकी पूरा सप्ताह मंगलमय बीतेगा। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ हरिओम। हर समस्या का समाधान वो भी घर बैठे बैठे, हम करेंगे आपकी हर समस्या का समाधान। लव प्रॉब्लम हो या ब्रेकअप प्रॉब्लम, इंटरकास्ट मैरिज प्रॉब्लम हो या मनाना चाहते हैं अपने घर परिवार को, डाइवोर्स प्रॉब्लम हो या पाना चाहते हैं अपना खोया हुआ प्यार, वशीकरण ब्लैक मैजिक या हो आपका प्यार किसी के वश में और पाना चाहते हैं आप उसे वापस, या पाना चाहते हैं छुटकारा अपनी सौजन्य से, इन सब समस्याओं का समाधान है हमारे पास। आइए संपर्क कीजिए ज्योतिष ज्ञानी विशाल शर्मा जी से। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें हमारा यूट्यूब चैनल ज्योतिष ज्ञानी और संपर्क करें, हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7828912229। धन्यवाद।